प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा आठवीं का गणित अध्याय तीन चतुर्भुजों को समझना के उदाहरण के हल। उदाहरण नंबर तीन है समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस। तो देखो, ये समांतर चतुर्भुज है पी क्यू आर एस का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो परिमाप ज्ञात करना है मतलब यहां पर हो जाएगा, इसको ऐसा लिखें हम, ये परिमाप बराबर जितनी भी भुजाएं हैं उनकी लंबाइयों का योग। ये पी क्यू धन क्यू आर धन आर एस धन एस पी, जितनी भी भुजाएं हैं उनके लंबाइयों का योग, उसको बोलते हैं हम परिमाप। तो पी क्यू का मान कितना दिया है 12, क्यू आर का मान कितना दिया है 7, सब सेंटीमीटर में दिया है। आर एस का मान, आर एस का मान, अब चूंकि ये समांतर चतुर्भुज है तो इसकी आमने सामने की भुजाएं क्या रहती है, बराबर रहती है। तो अगर ये 12 है तो ये भी 12 सेंटीमीटर रहेगा। तो एस आर का मान क्या लिखे हम, 12 धन एस पी। एस पी ये भुजा और ये भुजा सम्मुख भुजाएं समान होती है, ये 7 सेंटीमीटर तो ये भी 7 सेंटीमीटर, तो एस पी का मान हो गया 7। अब इनको हम जोड़ दें तो कितना होगा, देखो 12 और 7 19 और 12 और 7 19, तो ये लिखा हमने 19 धन 19 और 19 दोनों क्या होता है 38, तो ये 38 हो गया। और क्या माप किसमें दी है, सेंटीमीटर में, तो 38 सेंटीमीटर क्या हो गया, ये समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस का परिमाप हो गया। अब हम देखते हैं उदाहरण नंबर 4। तो ये है हमारा उदाहरण नंबर 4। उदाहरण नंबर 4 में दिया है आकृति बेस्ट एक समांतर चतुर्भुज है, ये बी है, बी ई एस और टी बेस्ट है ना। बी एस टी एक समांतर चतुर्भुज है, एक्स वाई तथा जेड के मान ज्ञात कीजिए। एक्स कहां पर है, ये एक्स ये है, वाई यहां पर है और जेड यहां पर है, इनके मान ज्ञात करना है। तो एक्स वाई जेड क्या है, कोण है। तो एक्स अंतःकोण है, वाई बाह्य कोण है और जेड अंतःकोण है। तो ये चूंकि समांतर चतुर्भुज है तो इसके आमने सामने के कोण बराबर रहेंगे। तो ये कोण एक्स किसके बराबर रहेगा, वो रहेगा कोण बी के बराबर, कोण बी के बराबर। और कोण बी का माप कितना है, 100 अंश। तो ये तो हो गया एक्स का मान। अब वाई का मान देखें, तो वाई का मान लेने के लिए पहले जेड का मान देखना पड़ेगा। तो देखो ये आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, तो ये है तो 100 निकाल दिया हमने। अब इसके चारों कोणों का योग कितना होता है, चारों कोणों का होता है, समांतर चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 अंश। ठीक है, अब 360 अंश में से ये दो अंश मतलब 100 और 100 200 घट जाएंगे, तो 360 अंश में से 200 घटाए तो कितने आए, ये आए 160 अंश। अब ये 160 अंश किसका किसका मान है, कोण टी और कोण जेड का। तो कोण टी और कोण जेड, कोण टी और कोण जेड का मान कितना है, 160 अंश। अब ये दोनों क्या है, ये सम्मुख कोण है, तो ये आपस में बराबर होंगे, ये दोनों आपस में बराबर हो गए। तो मान लो दोनों को वाई वाई मान लिया, तो वाई धन वाई बराबर कितना हो गया, 160 अंश। तो वाई और वाई कितना हो गया, 2y, तो 2y बराबर 160 अंश। तो 2 से भाग लगा दो इनको, ये 2 से 2 कट गया, तो वाई बराबर कितना हो गया, 2 8 16 और 2 9 0 80 अंश। मतलब ये कोण भी कितना हो गया, 80 हो गया और ये भी कोण 80 हो गया। तो अपना जेड का मान निकल गया, कोण जेड का मान कितना आ गया, कोण जेड का मान 80 आ गया। अब यहां पर दूसरे तरीके से भी निकाल सकते थे इसको, चूंकि बी ई ये बी ई एक रेखा है, एक रेखा है जिसके ऊपर दो कोण बने हैं, एक कोण तो बना है ये 100 अंश कोण बी, ये बी है, और दूसरा कोण बना है कौन सा, ये जेड। तो एक ही रेखा पर बनने वाले कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। तो अगर ये 100 है तो ये बचा वाला कितना रहेगा, 180 करने के लिए 80 अंश। तो यहां से भी हम सीधा मान निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि ये कोण ना निकाले, ये कोण निकाले, तो एक रेखा पर बनने वाले कोण एक ये है और एक ये है। तो ये अगर 100 है तो ये 80 है, ये 80 है तो ये और ये कोण आपस में क्या रहेंगे, बराबर है। तो जेड का मान फिर क्या वापस आ जाएगा, 80। तो जेड का मान कई तरीकों से निकाल जा सकता है। अब वाई बराबर हमने निकाल लिया 80, अब यहां पर फिर देखें हम उनको जेड का मान निकालना है, सॉरी ये वाई तो हमने ऐसा लिया था, इसको नहीं वाई नहीं लेना है, इसको हम ऐसा ले लेते हैं, एक्स वाई जेड,
क्यू ले लेते हैं, इसको क्यू ले लिया, नहीं तो ये वहाँ कंफ्यूज करेगा, ये क्यू हो गया, तो क्यू बराबर क्या आ गया 80 अंश, क्यू बराबर 80 अंश आ गया, मतलब इन दोनों को अपनों ने क्यू क्यू लिया था, तो ये भी 80 अंश हो गया और ये भी 80 अंश हो गया, इसका मतलब कोण जेड का मान कितना हो गया 80 अंश हो गया, कोण जेड का मान 80 अंश हो गया, ये 80 अंश हो गया, ठीक है। अब ये एक ही रेखा पर बनने वाले कोण है, कौन कौन से है, जेड और वाई, तो इनका योग कितना आएगा, इनका योग रहता है 180 अंश, एक ही रेखा पर बनने वाले कोणों का योग 180 अंश होता है। अब जेड का मान कितना आ गया 80 अंश आ गया, तो वाई का मान हमको निकालना है, तो वाई बराबर कितना हो गया 180 अंश, इस वाई को जब उधर ले जाएंगे, वाई इधर ही रहेगा 180 अंश, और ये 80 अंश को उधर ले गए, तो 180 में से 80 घटे तो कितने आए 100 अंश, तो 100 अंश कितना मान आ गया, वाई का मान आ गया, तो वाई बराबर कितना हो गया 100 अंश। अब अपने मान देख लो, एक्स का मान इसके सामने का कोण है तो 100, जेड एक ही रेखा पर बनने वाले कोण है तो ये 100 और ये 80, 180 हो जाएगा योग, तो जेड का मान 80 आ गया, और ये एक ही रेखा पर बनने वाले कोण है तो अगर ये 80 है तो टोटल योग कितना आएगा, योग 180 आएगा, तो ये कोण कितना हो जाएगा 100 अंश। तो यहाँ हमने मान निकाल लिए एक्स बराबर 100 अंश, जेड बराबर 80 अंश, और वाई बराबर 100 अंश। तो ये था हमारा उदाहरण नंबर 4। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।